हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि टैली ERP.9 में हम लोगों ने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जैसे कि लेजर्स और सारे ही वाउचर की एंट्री करके देख ली है, जैसे परचेस सेल, पेमेंट रिसीव, जर्नल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ कंपनी बैकअप, कंपनी लोगो, ऐसे ही हमने कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ERP.9 में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे करते हैं और कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज होता क्या है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर होता क्या है। जैसे अभी तक जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या फिर जब हम किसी से रिसिप्ट लेते हैं, तो जैसे मान लिया हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं 1 लाख, तो 1 लाख जब सैलरी पे करते हैं तो हम ये नहीं बता पाते हैं कि वो 1 लाख सैलरी किसकी किसकी है, मतलब किन किन एम्प्लॉयज की वो सैलरी जा रही है। तो हम ये चीज उसमें नहीं बना पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। या फिर अगर हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर हमने कहीं 10,000 रुपए दिए, तो एडवर्टाइजमेंट में हमने किस किस चीज से एडवर्टाइजमेंट कराया, जैसे कि हमने टीवी से कराया, बैनर से कराया, और उसमें हमने सब में पर्टिकुलर कितना कितना पे किया है, ये चीज हम लोग नहीं बता पाते। हम सीधे सीधे सिर्फ एंट्री कर पाते हैं कि सैलरी हमने इतनी पे की या फिर हमने इतना कहीं से एडवर्टाइजमेंट का पैसा रिसीव किया, ये सारी चीजें। आज हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर में यही पढ़ेंगे कि जब हम 4 लोगों की सैलरी पे करते हैं तो उन 4 लोगों का नाम उसमें शो हो कि अगर 1 लाख सैलरी दी है तो उसमें से कौन कौन है जिनकी वो 1 लाख सैलरी मिला के कंप्लीट होती है। तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को हमें अपने सिस्टम में इनेबल करना होता है। जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप देखेंगे कि अकाउंट्स इन्फो में हमें यहाँ पे कहीं भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले फिल बटन प्रेस करना है और आपको अकाउंटिंग फीचर्स पर जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स पर जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में आपको 2nd नंबर पर मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इसको आपको यस करना है। और इसके बाद आपको 4th नंबर पर मिलेगा मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी आपको यस कर देना है। अब आप इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए और अब आप देखेंगे कि जब हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे तो आपको यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, मान लिया हमें 4 लोगों को सैलरी पे करनी है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें बेसिकली होता क्या कि सबसे पहले हमें लेजर बनानी होती है, तो हम यहाँ से लेजर बना लेंगे सैलरी की। ठीक है, सैलरी हमारे लिए जब हम पे कर रहे हैं तब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया है। बस आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉस्ट सेंटर्स और एप्लीकेबल, इसको आप यस कर। अब मान लिया हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ से दूसरे भी लेजर बना लेंगे कि हम एडवर्टाइजमेंट के लिए ही पे कर रहे हैं। ठीक है, और इसको भी हम रख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। बस यही याद रखिएगा कि ये वाला ऑप्शन हमारा यस होना चाहिए, कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल, तभी हम इसके अंदर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर पाएंगे। हम 2 चीजों का पे कर रहे हैं तो हमने 2 अपनी यहाँ पे लेजर क्रिएट कर ली है। आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ से अब आप जाएंगे कॉस्ट कैटेगरीज पर। कॉस्ट कैटेगरी में आप जो जो चीजें पे करेंगे वो आप पहले कैटेगरी यहाँ से क्रिएट करेंगे। कैटेगरी आपको सिंगल भी मिलेगी, मल्टीपल भी मिलेगी, तो हम सिंगल में क्रिएट कर लेते हैं। कैटेगरी का हमारा नाम है कि हम सैलरी पे करना है, तो हमें सैलरी की कैटेगरी बनानी होगी और इसे हमें एंटर करके सेव कर देना है। दूसरा, हम एडवर्टाइजमेंट का पे कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट की भी हमें कैटेगरी बनानी होगी। ये ध्यान रखिएगा, इसका लेजर भी बनेगा और स्टॉक कैटेगरी भी सेम ही बनेगी। वेट करके मैं बाहर आ जाना है और कॉस्ट कैटेगरी अगर आप बनी हुई देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है जो कि प्री डिफाइन होती है, बाकी 2 कैटेगरीज हमने अभी बनाई हुई है। इसके बाद अब आपको बनाने हैं कॉस्ट सेंटर्स। देखिए, हमने कैटेगरी तो बना दी कि हमें सैलरी पे करनी है और एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करना है, पर उन सैलरी में उसमें से हमें सैलरी किसकी किसकी पे करनी है, एडवर्टाइजमेंट में हमें किन किन चीजों का पैसा पे करना है, वो अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर में। ठीक है, सैलरी कैटेगरी थी, अब उसके अंदर बनाएंगे कि हमें किन किन लोगों की सैलरी पे करनी है, तो उन एम्प्लॉयज के नाम हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर पर एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ भी सिंगल मल्टीपल का ऑप्शन आ रहा है। सिंगल हम क्रिएट करेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ से कैटेगरी चूज करनी है। हम किसका बना रहे हैं, सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज बना रहे हैं जिनकी हमें सैलरी पे करनी है, तो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, सैलरी। ठीक है, सैलरी हम यहाँ से कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे, जैसे हमने कुछ नाम ले लिया एग्जाम्पल में, जैसे रवि, अंडर प्राइमरी रहेगा, इसको आप सेव कर दीजिए। एक एम्प्लॉय बन गया। दूसरा हमने यहाँ से बना लिया जैसे सोहन। और इसे हमने कंट्रोल एस सेव कर दिया। तीसरा बना लिया जैसे नेहा, कंट्रोल एस से सेव। और चौथा हम यहाँ से बना लेंगे जैसे कि मनोज, उसको भी हम कंट्रोल एस। तो हमने सैलरी के अपने चारों कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर लिए। अब हमें एडवर्टाइजमेंट के बनाने, तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम जिन जिन चीजों से करा रहे हैं उसके भी हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। जैसे कि टीवी से करा रहे हैं तो टीवी का बना लिया, बैनर से करा रहे हैं तो हमने यहाँ से बैनर का बना लिया। तीसरा मान लिया हम न्यूज़पेपर से करा रहे हैं तो हमने यहाँ से न्यूज़पेपर का बना लिया। तो हमने सारे अपने कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर लिए। इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। अब हम एस्केप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हमारे लेजर्स कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर सारे बन चुके हैं। अब हमें करनी है सीधा एंट्री। तो एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर आएंगे और यहाँ से अब हमने, क्योंकि हमने सब एक्सपेंसेस में डाला है इसलिए अब हमें इसका पेमेंट करना है। F5 हम प्रेस करके पेमेंट वाउचर अपना ओपन कर लेंगे। अगर आपका सिंगल एंट्री मोड हो तो आप F12 प्रेस करके इसे यहाँ से सेकंड ऑप्शन से यूज सिंगल एंट्री मोड में जाके इसे आप नो कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल एंट्री मोड पे एंट्री करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से यस कर लीजिए। हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी हम क्या पे कर रहे हैं, सैलरी ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सैलरी हमने ले ली। जैसे आप सैलरी दोगे तो मान लिया हम टोटल 1 लाख सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम 1 लाख सैलरी पे कर रहे हैं, किसकी पे करेंगे? जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं तुरंत आपके पास यहाँ से अगली विंडो आएगी कॉस्ट कैटेगरी की। अब हम यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे सैलरी, ठीक है। तो जैसे आप किसकी हम सैलरी पे कर रहे हैं, अब आपको उनका नाम यहाँ से एंटर करना है। जैसे रवि, रवि का 1 लाख नहीं हमने डाल दिया कि रवि की जो सैलरी है वो 35,000 एंटर करेंगे। जब तक आपका अमाउंट पूरा नहीं होगा तब तक आपको बराबर इसको सेलेक्ट करते जाना है। हमने मनोज की दे दी कि मनोज की है जैसे कि 18,000, ठीक है। अगला कौन था, नेहा, जैसे हमने नेहा का दे दिया कि नेहा की है 35,000। और चौथा कौन बचा, चौथा नाम हमारा क्या था, तो वो था सोहन, तो हम यहाँ से सोहन ले लेंगे, ठीक है। जब आपका पूरा अमाउंट 1 लाख हो जाएगा तभी ये आगे बढ़ेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर आपने यहाँ पे और कैटेगरी बनाई होती, जैसे कि मान लिया आपने एक बना दिया सैलरी हेड ऑफिस, एक बना दिया सैलरी ब्रांच ऑफिस, तो आप इस तरीके से भी अपना बना सकते थे अगर आपको चाहिए हो तो। फिलहाल मैंने सैलरी का एक ही बनाया है। अगर आप सैलरी 2-3 जगह की अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो आप कॉस्ट कैटेगरी ऐसे बना लेना, जैसे सैलरी 1 या फिर सैलरी हेड ऑफिस, सैलरी ब्रांच ऑफिस, सैलरी रीजनल ऑफिस, ऐसे भी आप बना सकते हो। इसको हम एंटर करके बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास सैलरी की कोई दूसरी कैटेगरी नहीं है। तो आपको यहाँ से अब हम किसका पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का भी पे कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ सैलरी और एडवर्टाइजमेंट का 1-1 करके पे करें, या फिर आप इन दोनों का एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं। एक साथ एंट्री करने के लिए जो क्रेडिट है उसको हम यहाँ से डी प्रेस करके डेबिट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से दे देंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में मान लिया हमने टोटल 15,000 रुपए पेमेंट किया, एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ से एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी लेनी है, किस किस चीज में कितना पैसा दिया है। जैसे कि हमने टीवी में दिया है 6,000 रुपए, ठीक है। फिर हमने बैनर में दिया है जैसे कि 7,000 रुपए। उसके बाद जैसे हमने न्यूज पेपर में दिया है 2,000 रुपए, ऐसे आपको ले लेना है। वैसे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट क्या और भी कैटेगरीज बनाई है तो आप उन्हें यहाँ से ले सकते हो। इसका मतलब ये है एक एडवर्टाइजमेंट के लेजर में आप कई सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्रेडिट साइड में क्योंकि हमारी दोनों चीजें हो चुकी, तीसरा हमारे पास कुछ है नहीं पे करने के लिए, जिसको हम क्रेडिट ही रखेंगे। और कैश या बैंक जिससे आप पेमेंट कर रहे हो वो मोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि सारी ही जितने भी हमने सैलरी पे की है उसमें किसकी किसकी सैलरी पे की है वो सारे नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में कहाँ कहाँ पैसा लगा है वो सारा दिख रहा है। यही काम होता है कॉस्ट कैटेगरी का और कॉस्ट सेंटर का। बस इसे आपको एंटर करके सेव कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते थे इस वाउचर को प्रिंट करना तो आप वहां से डायरेक्ट भी ऑल प्लस पी कर सकते थे, या फिर हम बाहर आ जाएंगे और आपको बताएंगे कि डे बुक से हम कैसे वाउचर को प्रिंट करें। तो हम आएंगे डे बुक पर और यहाँ से अपनी एंट्री ओपन कर लेंगे। ये जो हमने भी इतना सब कुछ पे किया है, ये हमने पे किया है, इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस पी प्रेस करें। जैसे आप ऑल्ट प्लस पी करेंगे तो आप देखेंगे, मेक श्योर करिएगा अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ होना चाहिए। आप इसको एंटर कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपको यहाँ से आपका जो भी वाउचर था वो दिख रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि हमने सैलरी किसकी किसकी पे की है, एडवर्टाइजमेंट में हमने कहाँ कहाँ पैसा दिया है। तो हमारे वो कॉस्ट कैटेगरीज तो दिख रही हैं पर सेंटर नहीं दिख रहे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी देखने हैं, तो इसके लिए हम स्किप करके वापस आएंगे और इसको देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे अपने कॉस्ट सेंटर्स देख सकते हैं। ऑल प्लस पी, जब आप ऑल प्लस पी करते टाइम आपको एंटर प्रेस अभी आप नहीं करेंगे, आप यहीं से कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 प्रेस करेंगे। वाउचर प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट होता है F12। आप यहीं से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट कॉल सेंटर डिटेल्स, ठीक है, इसको आपको यस कर देना है। अब आप कंट्रोल एस से सेव करिए और आप एंटर करिए। आप देखेंगे भी आपके कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर है, सब आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ लेजर दिख रही थी, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।